तो ये तो पहले तो कॉस अप्लाई करो ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा की फॉर्म है ना, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो कि कॉस ऑफ 688 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 680 डिग्री हो गया तो इसको ब्रेक करो 360 की टर्म्स में, तो इसको ब्रेक करो, 680 इज कैसे करते हो बताओ, 360 का डबल 720 ले लो, 720 माइनस 40, 720 माइनस 40 यही आएगा। यस मैम। तो 720 माइनस 40 कर दिया, अब कॉस 720 माइनस 40, तो ये जो 360 के मल्टीपल्स होते हैं इनका कोई रोल नहीं होता एक तरह से, है ना, हाँ यस मैम। तो उसको हटा देते होते हैं, तो सिंपली कॉस ऑफ माइनस 40 डिग्री हो गया, विच इज सेम एज कॉस 40 डिग्री। अब 40 डिग्री पर वैल्यू तो पता नहीं है, तुम्हें 40 डिग्री करना पड़ेगा, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 40 डिग्री, तो दिस इक्वल टू 40 डिग्री, ओके मैम। तो यही आंसर हो गया। प्रिंसिपल ब्रांच में जाना पड़ेगा, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है कॉस इनवर्स की, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है जीरो से पाई, ठीक है ना, क्लोज्ड वाला ब्रैकेट जो तो हम जीरो से पाई के बीच में ही है, ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। यस मैम। तो जब भी ऐसे हो 360, 720 या 360 का कोई भी मल्टीपल यहां पर फिट करो, और प्लस माइनस जो भी बन रहा हो वो यहाँ पे लगा दो, और ये जो मल्टीपल होता है 360 का, ये जीरो के बराबर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम 360 कंप्लीट करते हैं हम जीरो पे आ जाते हैं, देखो आ गए ना वापस जीरो पे, जितनी बार मर्जी 360 पे आते जाओ जीरो, तो वहीं का वहीं रहेंगे। तो 360 के मल्टीपल बना के प्लस माइनस जो भी एडजस्ट कर लो, और फिर उसको बीच में से हटा दो, तो रिमेनिंग तुम्हारे पास आंसर आ जाता है, या माइनस 40 आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 40 हो गया, ठीक है। यस मैम।